कोरोना कर्फ्यू के दौरान दमोह शहर में तेज रफ्तार से प्रतिबंधित क्षेत्र में कार दौड़ाकर दहशत फैलाने का घटनाक्रम बीते दिन सामने आया था, जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा आरोपी कार चालक पर कार्रवाई करने के बजाय उसके द्वारा की गई शोर सिफारिश के बाद घंटा घर से निकल जाने दिया गया था, जिसके बाद पूरा मामला मीडिया में आने के बाद में मामले को लेकर पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे थे। वहीं आज इस कार को कोतवाली पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। कार को जब्त करने के साथ कार के चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मामले में कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह का कहना है कि आरोपी युवक द्वारा गुस्से में आकर इस तरह का कृत्य किए जाने की बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि जिस तरह का ये घटनाक्रम सामने आया था, उसके बाद आम लोगों को यह लगता था कि आम लोगों के लिए पुलिस अलग व्यवहार करती है और प्रभावशाली लोगों के साथ अलग। देखिए किस तरह से कल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को जाने दिया था। सर, एक कल कार में बैरिकेडिंग गिराई थी, उस पर क्या कार्रवाई की? कार कोतवाली में खड़ी और उसको आज कल सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि एक गाड़ी में बैरिकेड वगैरह गिराया है। उसने पता नहीं था कि आज उसको बुलाया गया, तो बताया उसने कि वो कोरोना के स्ट्रेस के कारण गुस्सा आ रही थी उसको, और गुस्सा में उसने ऐसी हरकत कर दी, उसको पकड़ लिया है गाड़ी में, पकड़ ली है।